ट्रे, यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। आज मैं आपके साथ चिकन पेटीज या चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आपको चाहिए पफ पेस्ट्रीज। यहाँ पर मैंने दो पैकेट्स लिए हैं, एक पैकेट में 10 पीसेस हैं। 1.5 कप श्रेडेड चिकन, इसको बॉईल करके हल्के नमक के साथ मैंने इसको श्रेड कर दिया है। 2 टेबलस्पून क्रीम या मलाई ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। सेसमी सीड हसबी ज़रूरत, एंड में स्प्रिंकल करने हैं, आप चाहें तो ना डालें। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, एक छोटा सा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, 1 कप चीज़, ये फ्रीज हुई हुई है, श्रेडेड चीज़ है, एक कप चाहिए। नमक हसबी ज़ायका, क्योंकि चिकन में भी नमक है, सोया सॉस में भी नमक होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे, इसको हल्का सा गरम करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, इसको हल्का सा सौते करेंगे, और उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसमें मैं शामिल कर दूंगी श्रेडेड चिकन, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। 1 मिनट इसको तेज आंच पर हमने अच्छे से भूनना है। फिर इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। मसालों को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस और विनेगर। तेज आंच पर इसको भूनेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम बटर शामिल कर देंगे और साथ ही मैदा डाल देंगे। एक मिनट इसकी भी भुनाई करेंगे, देन हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम और चीज। हमारा श्रेडेड चिकन बैटर रेडी है। अब आपने इसको पफ पेस्ट्रीज में लगाना है। मैंने इधर चीज़ ज़्यादा यूज़ की है, आप चाहें तो कम यूज़ कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन टेस्ट चीज़ के साथ बहुत अच्छा आता है। एक अंडा लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब मैं सारी पफ पेस्ट्रीज में 1 बाय 1 चिकन की फिलिंग करूँगी और उसको फोर्क की हेल्प से चारों साइड से बंद कर देंगे, जिस तरह मैंने वीडियो में शो किया है। इसी तरह सारी पफ पेस्ट्रीज बनानी है। सारी पफ पेस्ट्रीज बन गई हैं। अब मैंने बेकिंग ट्रे में बेकिंग पेपर रख के और उसके बाद पफ पेस्ट्रीज उसमें रखी हैं। हल्का सा इस पे छुरी की हेल्प से डिज़ाइन बना रही हूँ, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसको देंगे एग वॉश, इससे अच्छा कलर आता है। एग वॉश के बाद इस पे हम तिल स्प्रिंकल कर देंगे और दे आर रेडी टू बेक। और अब मैं इनको अपने एयर फ्रायर ओवन में 200 डिग्रीज पर 10 टू 15 मिनट्स के लिए बेक करूँगी, जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। आप अपने ओवन के हिसाब से बेक कीजिएगा। वैसे ये गरम गरम ही फ्रेश मज़ेदार लगती हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको बेक करके एयर टाइट जार में रख सकते हैं, और जब भी खाना हो तो इसको एयर फ्रायर या टोस्टर में गर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।